दो दोस्तों की कहानी, राम और श्याम। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी है और आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड हैज सेड कि उसके ऊपर एक छोटी फिल्म बनाने वाले हैं। सो दैट्स गुड। इनफैक्ट सो आज एक और मैं आपके लिए एक बहुत छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ, और आई डोंट नो आपने सुनी है या नहीं सुनी है, बट कहीं ना कहीं आपके लाइफ को टच करती है। सो एक बार 10 मेडक फ्रॉग ने सोचा कि लेट्स हैव अ रेस। तो रेस क्या थी कि उन लोगों को एक पोल था, उस पोल के ऊपर चढ़ना था, एंड सारी पब्लिक वहाँ पे खड़ी थी, एवरीबडी वाज रेडी। सो सब ने अपने अपनी पोजीशंस पकड़ी एंड देन सेड लेट्स स्टार्ट द रेस। सो 3-2-1 ठक, बंदूक की गोली चली और रेस स्टार्ट हुई। और जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, पब्लिक ने पीछे से जोर से बोलना शुरू किया कि अरे भैया ये देखो, ये नीला वाला जो फ्रॉग है वो गिरेगा नीचे, अरे वो काला वाला फ्रॉग जो है वो नीचे गिरेगा, वो येलो वाला फ्रॉग है, अरे वो जो इसने जीन्स पहनी है वो वाला फ्रॉग नीचे गिरेगा। सो इस तरीके से करते करते इनफैक्ट एक एक करके सारे फ्रॉग गिरने लग गए। सिर्फ एक ही फ्रॉग था जो टॉप पे पहुंचा और रेस को जीत गया। उसके बाद वो जब नीचे आया तो उसमें एक रिपोर्टर ने उसको पूछा, भाई आप रेस जीत गए, कैसे जीते हमें बताइए, और सब तो गिर गए, आप कैसे जीत गए? तो वो कभी इधर देखे कभी उधर देखे। तो इतने में फिर दोबारा उसको पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया, रिपोर्टर का लगा रहे यार उसको तभी से अकड़ आ गई। इतने में फ्रॉग का दूसरा साथी इमीडिएटली भाग के आता है और पूछता है, अरे भाई साहब क्या हुआ, आप क्या इनके साथ पूछ रहे हैं? तो बोला, अरे भाई मैं इनको पूछ रहा हूँ कि आप जीते कैसे, मेरे को जवाब ही नहीं दे पा रहे। वो कहते हैं, भाई साहब वो ना सुन सकते ना बोल सकते हैं, इसके लिए शायद आपकी बात हो जो आप नहीं दे पा रहे। तो उस रिपोर्टर ने बोला कि भाई साहब जरा आप पूछ के बताओ इनकी जीत का कारण क्या है। तो उनके फ्रेंड ने उसको इशारों में पूछा कि भैया तुम जीते कैसे, कैसे क्या क्या सोच के तुम जीते? तो उसने बोला कि जब मैं रेस चढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने देखा जोर जोर से पब्लिक चिल्ला रही है कि तुम ही हो जो जीतोगे, तुम आगे बढ़ो, तुम ही हो विनर, तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। और ये सुनते हुए मैंने रेस को जीत लिया। बट अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पब्लिक उसका रिवर्स बोल रही थी कि तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। तो जिंदगी में कई बार अगर आप देखोगे, आप जिंदगी में अगर आगे बढ़ते हो तो मैनी थिंग्स कम्स इन योर लाइफ वेयर अदर पीपल और मैनी पीपल कम्स एंड सेज तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम इधर के नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हो। कई बार हमको अपने को बहरा बनना बहुत ज़रूरी है अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर हम बहरे नहीं बनेंगे तो शायद बाकी फ्रॉग की तरह जिंदगी में नीचे गिर जाएंगे। तो कब हमको अपने कान खोलने हैं, कब अपने कान बंद रखने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू जॉइनिंग चेन ऑफ लाइफ।